हे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज अपन फिर से दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन रेडिकल रेड, जहां पर आप सबको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने अपना जो रैंडमाइजर ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करा था। एंड उसके बाद में गाइस अपना जो रैंडमाइजर स्टार्टर है यानी कि रुकीडी वो अपन को मिला था। एंड देन उसके बाद में गाइस अपन लोगों ने एक रुकीडी को एंड अपना जो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है यानी कि सेलेमेंस उसे अपन ने कैश करा था। मगर फिलहाल गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रूट 22 पे, जहाँ पे कैसे मुझे एक मेगा स्टोन मिल रहा है जिसे अभी फिलहाल तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उसका जो रीजन है वो ये है गाइस कि इसके सामने है वाटर। एंड अभी अपने पार्टी में जो भी पोकेमॉन है वो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सर्व का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि सर्व की मूव ही नहीं है। तो अपन उस मेगा स्टोन को बाद में फिर कभी ले लेंगे। मगर फिलहाल गाइस अभी जो कार्बिंग है उसको मैं फेंट कर देता हूँ। एंड हाँ गाइस, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मतलब कि अपने सामने जो भी पोकेमॉन एनकाउंटर हो उसे आप लोग फेंट कर देना। मैं तो ट्राई करूंगा कैसे सभी पोकेमॉन को फेंट करने, क्योंकि इस गेम के अंदर पे अपन को डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मिलती है। पोकेमॉन का डिफिकल्ट गेम है, जो भी बंदा खेल रहा है या फिर जो भी यूट्यूबर इस गेम को खेल रहे हैं वो सभी बोल रहे हैं कि जो गेम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड इसका पार्ट यही है कि आप इस गेम के अंदर फायर रेड की कोई भी चीट यूज नहीं कर सकते, आपको जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है। मगर फिलहाल गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने पोकेमार्ट में एंड यहाँ पे गाइस मुझे कुछ पोकेबॉल लेनी है। एंड लास्ट एपिसोड में गाइस लैंडिडोस ने मुझे कंगाल कर दिया था, मतलब कि उसने ना मेरे सारे पोकेबॉल को वेस्ट करा, उसी बात में मेरा पोशन भी वेस्ट हो गया। एंड उसी चक्कर में गाइस अपने पास अभी कुछ पैसा बचा नहीं है। मगर खैर गाइस यार कोई बात नहीं, पैसे तो आ जाएंगे। मगर फिलहाल गाइस यार अभी चलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ पे, यानी कि अपनी प्यारी फ्यूचर सिटी। एंड ये कौन बंदा है? ओ यू मस्ट बी एन हैश राइट, सो सॉरी आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज यू। आई एम द वन ऑफ द ओक एड्स। I was just picking up some packages for the professor and I think he wanted to give you this but didn't manage on a time, so get on this. Oh, okay, it's a dex now. While I am here, I may as well as give you this too. Alright then guys, यहाँ पे अपन को 5 ऑरेंज बेरीज के साथ में एक dex now भी मिला है। तो गाइस यार अभी ना प्यूटर सिटी जाने से पहले अपने को जो डेक्सनाओ मिला है उसका अपन एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हो वर्किंग में है कि नहीं। बट मुझे पता नहीं गाइस इसको कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है। सो लेट्स ट्राई गाइस यार, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो अभी गाइस यार चलते हैं ग्रास में एंड यहाँ पे गाइस यार मुझे मिल रहा है चिमको। ओके, मुझे पता नहीं गाइस यार यहाँ पे मैंने गलती क्या करी है, बट इसको मैं फेंट करता हूँ। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे अपन एक और बार ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी अपन जो डेल्फॉक्स है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड वो गाइस यार अभी मैं समझ चुका हूँ, मतलब कि गाइस यार अपन जब इस टेक्नो को यूज़ करते हैं तो अपन को जो पोकेमॉन चाहिए उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में गाइस यार जहाँ अपन को ग्रास के अंदर हलचल दिखी वहाँ पे अपन को जाके उस पोकेमॉन को कैच करना है। मगर फिलहाल गाइस ये जो डेल्फॉक्स है मैं तो सोचा उसको कैच करूँ, बट पता नहीं वो कैच में अपने आएगी कि नहीं, क्योंकि अपने पास दो ही पोकेबॉल बचे हैं एंड वो फाइनल लेवल की डेल्फॉक्स है। तो आई थिंक सो वो आ गई ना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस अपना जो फर्स्ट बॉल है वो हो जाती है वेस्ट, तो यहाँ पे गाइस अपने दोनों बॉल हो चुकी है वेस्ट। तो इसको मैं फटाफट से फेंटी कर देता हूँ। इसने भी गाइस अपने दोनों बॉल को वेस्ट कर दिया जैसे लास्ट एपिसोड में लैंडिडोस ने करा था, पर खैर ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी अपन चलते हैं आगे एंड या गाइस अभी अपन आ चुके हैं विरिडियन फॉरेस्ट में। चलो गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ विरिडियन फॉरेस्ट पे, जहाँ पे गाइस यार अभी मेरे सामने जो भी बंदा हो, बंदी हो, बग कैचर हो या फिर कोई और ट्रेनर हो, वो सबके साथ गाइस यार अपन को बैटल करते हुए चलनी है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी मनी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी 200 बस पोकी डॉलर है जिसके ऊपर मेरे पास एक पोकी डॉलर भी नहीं है। बट फिलहाल गाइस इस बंदे से बात करते हैं, देखते हैं ये बंदा अपने से बैटल करता है कि नहीं। बट गाइस ये तो बंदा है, तो रोतलू बंदा है, तो अपने पोकी बॉल्स एंड पोकेमॉन सब छोड़ के भाग के आ चुका है। मगर फिलहाल गाइस यार यहाँ पे मुझे स्लैकिंग मिल रहा है, तो इसको मैं कैश नहीं, इसको मैं फेट करूंगा। एंड ग्रेट गाइस यार यहाँ पे अपने सेलेमेंस को बहुत ज्यादा एक्सपी मिली, उसी के साथ में गाइस यार यहाँ पे एक पोकी बॉल पड़ी थी जो कि बहुत बड़ी थी एंड वहां पे मुझे एक पोशन मिली है। बट गाइस यार यहाँ पे एक बग कैचर है, तो फटाफट से इस बंदे को मैं डिफीट कर लूं। लाइट्स अ बैटल आई एम ओके। तो गाइस यार इस बंदे के साथ में अपनी बैटल जो है वो हो चुकी है स्टार्ट एंड इस बंदे का पहला ही पोकेमॉन है साइडक, जो कि अपना सेलेमेंस ऊपर है, तो अपने सेलेमेंस के पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अपने डार्क मूव के साथ में। तो गाइस यार सबसे पहले जो साइडक है उसके ऊपर ना मैं बाइट करूँ तो आई थिंक वो बहुत इजीली फेंट हो सकता है एंड हो चुका है। साइडक इज ओपी मैन, बट अपना जो सेलेमेंस है उससे भी बहुत ज़्यादा ओपी है। अगर साइडक की बात करो तो गाइस मुझे मिस्टी का साइडक बहुत सही लगता है, वो बड़ा क्यूट था। मगर फिलहाल गाइस स्लेकिंग के ऊपर मैं फिर से करूँगा बाइट या फिर अपना पोकेमॉन चेंज करूँ। ओके नहीं, पोकेमॉन नहीं चेंज करते, ड्रैगन ब्रेथ करते हैं। एंड इसी के साथ में गाइस जो स्लेकिंग है वो भी बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे जितने भी ट्रेनर है वो सबको अपन को बैटल करते हुए आगे जाना है। मगर फिलहाल गाइस अपन ने इस बंदे को हरा कि इस बंदे
बंदे ने अपन को 60 पोकी डॉलर्स दिए है एंड यहाँ पे गाइस एक और पोशन मिली है। बट गाइस सर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पोकी बॉल है वो बहुत बड़ी मिलती है एंड यहाँ पे जो भी आइटम है ना अपन को जो भी आइटम मिलती है फ्री में वो बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। मगर खैर गाइस कोई बात नहीं है एंड अभी ये जो बग कैचर है उसके साथ भी अपन चैलेंज कर लेते हैं। इसका नाम है डॉग एंड इसका पहला पोकेमॉन डक्ट्रियो। तो इसके ऊपर अपन सेलेमेंस को ही छोड़ते हैं क्योंकि अपना सेलेमेंस किसी से कम नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो गाइस यार सबसे पहले इसके ऊपर मैं बाइट करूँ कि आप अपना डक्ट्रियो फेंट हो जाए एंड ग्रेट गाइस यहाँ पे जो डक्ट्रियो है वो भी बहुत इजीली फेंट हो चुका है एंड यहाँ पे गाइस अपने सेलेमेंस को 61 एक्सपी मिला है। बट पता नहीं गाइस क्यों अभी तक मुझे एक्सपीरियंस शेयर नहीं मिला, पता नहीं वो मुझे कौन देगा। बट यहाँ पे गाइस ड्रैगन बैथ करते हैं एंड इसी के साथ में जो होंडूम है वो भी फेंट हो चुका है एंड गाइस सच में जो होंडूम है उसका जो मेगा फॉर्म है वो कितना था औसम है आप लोगों ने देख लिया होगा अपने कैलॉस रिचर में एंड मुझे भी उसका खास लगता है जो कि अपने गुंडो लोगों के पास में होता है हॉन्डूम खास करके। मगर फिलहाल गाइस यहाँ पे अपने विलियन को भी बहुत इजीली फेंट करा है एंड यहाँ पे गाइस मुझे लगता है अपने दूसरे पोकेमॉन को भी यूज करना चाहिए। मैं बहुत टाइम से सेलेमेंस को यूज कर रहा हूँ। तो गाइस अभी एक मिनट, अपने जो पोकेमॉन है उनमें से गाइस अभी अपने जो क्रोकोडाइल है उसको मैं यूज करता हूँ एंड नाइट को गाइस अपन थोड़े टाइम बाद यूज करेंगे जब मैं उसको सेकेंड स्टेज में इवॉल्व करूंगा। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे मुझे एक एंटीट्यूड मिला है तो ग्रेट एंड अभी चलते गाइस इस साइड से ऊपर एंड यहाँ पे एक और बंदा है। बट गाइस एक मिनट अपन लेफ्ट साइड में एक बार चेकआउट कर लेते हैं एंड देन उस बंदे के साथ बैटल करते हैं। ओके तो गाइस इस बंदे को अभी मैं फटाफट से डिफीट एक बार कर देता हूँ। सो या आई माइट बी अ लिटिल बट आई वोंट बी लाइक कि सो भाई लोग यार अभी मैंने इस बंदे को डिफीट कराया एंड अभी टाइम है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का एंड गाइस यार जर्नी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक पोकेबॉल है यानी कि यहाँ पे, तो फटाफट इस पोकेबॉल को कलेक्ट करते हैं एंड गाइस यार फाइनली मेरे को एक पोकेबॉल मिली है एंड मेरे बैग में अभी एक पोकेबॉल होगी। मगर फिलहाल गाइस आप देखोगे तो मेरे पास है 408 पोके डॉलर्स, मतलब कि अगर मैं अभी पोकेमार्ट में भी जाऊँ तो मेरे पास दो ही पोकेबॉल खरीदने के पैसे हैं। लेकिन फिलहाल गाइस जो बंदा है उसके साथ बैटल करते हैं, देखते हैं ये बंदा अपन को कितने पोके डॉलर देता है। तो गाइस इस बंदे का पहला ही पोकेमॉन है फोलोलोलो जो कि जेनेट का पोकेमॉन है एंड अपने होप का भी पोकेमॉन है एंड आई थिंक सो गाइस कल मैं होप के साथ बैटल करूंगा, उसकी वीडियो तैयार है, बस थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। मगर फिलहाल गाइस अभी अपन करते हैं रैग एंड यहाँ पे गाइस जो फोलोलोलो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन गई है। बट फिलहाल गाइस अभी जो फोलोलोलो है उसके ऊपर मैं पावर ट्रिप करता हूँ जो कि इसके ऊपर मस्त इफेक्टिव है एंड इसी के साथ में गाइस जो फोलोलोलो है वो अपने वन शॉट में फेंट हो चुकी है, वन तो नहीं बट दो शॉट में फेंट हो चुकी है एंड क्रोकोडाइल को भी बहुत सही एक्सपी मिली है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है ट्रिको, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले करूंगा पावर ट्रिप जो कि अपने वन शॉट के अंदर पे जो ट्रिको है वो हो जाएगा फेंट। मगर हाँ गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको हैश का ट्रिको पसंद है या फिर अपने ब्रैंडन का। मेरी बात करो तो गाइस यार मुझे ब्रैंडन का ट्रिको बहुत ज्यादा पसंद आता है, अपने हैश का ट्रिको जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल, उसने डार्क राइज जैसे पोकेमॉन को डिफीट करा है। बट गाइस मुझे ब्रैंडन का जो ट्रिको है वो थोड़ा सा खास लगता है क्योंकि उसने ना अपने ब्रैंडन को कितने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने में कैच करा है, मतलब कि रेक्वेजा उसने अपने ब्रैंडन के पास ही रेक्वेजा जो कि मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन है, तो मुझे ब्रैंडन का ट्रिको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मगर फिलहाल गाइस यहाँ पे मैंने इस बंदे के जो भी पोकेमॉन थे सबको फेंट कर दिया है एंड इस बंदे ने अपन को 96 पोके डॉलर्स दिया है जो कि अभी मेरे पास शायद से 500 पोके डॉलर्स के करीब करीब हुए होंगे। बट पता नहीं गाइस यहाँ पे कौन सी प्लेट है, आई थिंक सो अपन को शायद बाद में लेजेंडरी पोकेमॉन मिल जाए मगर इस बंदे को डिफीट कर दूँ। तो यहाँ गाइस अभी मैंने इस बंदे को डिफीट कर दिया है एंड यहाँ पे गाइस मैंने ब्रैंडन का नाम लिया ही था कि यहाँ पे जो ब्रैंडन है वो आ चुका है। ओह हेलो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच सम पोकेमॉन बिफोर आई चैलेंज ब्रो, सो हो यू आर लुकिंग टू चैलेंज हिम एज वेल, व्हाई डोंट वी हैव अ बैटल देन। तो यार गाइस यहाँ पे अपनी जो बैटल है वो स्टार्ट हो चुकी है ब्रैंडन के साथ में एंड ब्रैंडन का जो पहला पोकेमॉन है वो है कॉडफिश। ओ कॉडफिश इज टू ऑसम पोकेमॉन, बट मेरा क्रोकोडाइल भी किसी से कम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो कॉडफिश है उसके ऊपर मैं सबसे पहले डार्क मूव करूँ तो इसके ऊपर इफेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर बाइट करते हैं एंड क्या पता अपने वन शॉट में फेंट हो जाए एंड गाइस यार यहाँ पे जो ब्रैंडन का पहला पोकेमॉन है कॉडफिश हो चुका है फेंट अपने वन शॉट में एंड आई थिंक सो गाइस इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है ट्रिको, तो उसके ऊपर भी गाइस अपन पावर ट्रिप करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब ट्रिको के ऊपर करा था तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था एंड वो अपने वन शॉट में फेंट हो चुका था। मगर फिलहाल गाइस यहाँ पे ब्रैंडन का ट्रिको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अपन इसके ऊपर शायद से एक और बार पावर ट्रिप करते हैं एंड इसी के साथ में गाइस जो ट्रिको है वो हो चुका है फेंट एंड यहाँ पे गाइस मुझे लगता है ब्रैंडन के पास दो ही पोकेमॉन थे एंड यहाँ ब्रैंडन को अपन ने डिफीट कर दिया एंड 1260 पोके डॉलर्स भी दिए इस बंदे ने, तो ये अपने लिए सही बात है। बट देखते गाइस अपन से ब्रैंडन अपने से क्या बात कर रहा है। श्याम, या आई हैव एक्स्ट्रा ऑफ दिस सो दैट श्योर विल हेल्प यू।
ओके तो गाइस इस बंदे ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर दिया, उसी के साथ में एक स्टैटिक स्कैनर भी दे दिया है जो कि अपने अभी ना जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। स्टैटिक स्कैनर क्या है मुझे वो पता नहीं है, स्टैटिक स्कैनर एक बार देख लेते हैं वो क्या है। बट अपना जो ब्रेंडन है वो जा चुका है फिर से वेरिडियन फॉरेस्ट में कुछ पोकेमोन को कैच करने के लिए, मगर फिलहाल जो स्टैट स्कैनर है वो क्या है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सो गाइस यार मुझे ना अपने क्रोकोडाइल का चेक करना चाहिए। तो क्रोकोडाइल की जो HP है वो है 10 HP 13, वो डेट्स अ ग्रेट यार, मतलब कि इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। एंड मुझे ये पता नहीं था गाइस कि अपन ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये अच्छी चीज़ है यार, मतलब कि ब्रैंडन ने अपन को कुछ काम की चीज़ दे दिया, उसी के साथ में उसने अपन को एक्सपीरियंस शेयर भी दिया जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात है। बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे एक और मेगा स्टोन है जो ऑब्वियसली मैं अभी फिलहाल तो नहीं ले सकता, बट अभी अपन एंटर हो चुका है प्यूटर सिटी में। तो गाइस यार अभी अपन आ चुके हैं प्यूटर सिटी में, तो गाइस यार अभी एक काम करते हैं फटाफट से अपने सारे पोकेमोन को हील करते हैं, एंड उसके बाद में गाइस यार अभी ये जो सिटी है यानी कि अपनी जो प्यारी प्यूटर सिटी है उसको अपन एक्सप्लोर करते हैं। बट गाइस यार यहाँ पे एक बंदा मिलता था आई थिंक सो ये वाला, तो इसे फटाफट से बात करते हैं, ये शायद से कुछ अपन को म्यूजियम घुमाता है आई थिंक सो, मुझे ऐसे ही लगता है। तो इस बंदे से बात करते हैं। तो यार गाइस यार ये बंदा जो ये मान चुका है अपन को, ये जो बंदा है वो अभी अपन को म्यूजियम घुमाने वाला है, बट फिलहाल गाइस यार ये बंदा अपन को यही तो घुमाने वाला है, बस यार छोटा सा शॉर्टकट था मैं, खैर कोई बात नहीं। तो अभी चलते गाइस इस म्यूजियम में एंड देखते गाइस इस म्यूजियम में क्या हाल है। तो चलो गाइस यार चलते हैं। तो गाइस यार अभी तो मैं आ चुका हूँ म्यूजियम में, एंड यहाँ पे जो बंदा है वो अपन को बोल रहा है अपन खुद से घूम सकते हैं, तो ये अपन खुद से घूमते हैं। एंड यहाँ पे जो ताऊ है उनसे अपन बात करते हैं। आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर अ लॉन्ग लाइफ, नेवर आई डिडंट आई थिंक आई वुड गेट टू सी बोन्स। ओके कोई बात नहीं, तो अपन चलते हैं अभी सेकंड फ्लोर पे, एंड यहाँ पे एक बंदा है इससे भी अपन बात कर लेते हैं। दिस मंथ वी आर रनिंग अ स्पेशल एग्जिबिट। ओके तो ये रहा इसका स्पेस शटल। एंड गाइस यार यहाँ पे जो बंदा है यानी कि ब्लू वाला वो मुझे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अगर मैं उससे बात करूँगा तो शायद से मुझसे बैटल भी कर सकता है। बट फिलहाल गाइस इस बंदे से बात करते हैं जो कि अपन को हर एक म्यूजियम में मिलता है ऑब्वियसली, मगर खैर यहाँ पे कलर्स की भी लिख के आया था क्या, एक मिनट या ह्यूमन काइंड एंड कलर्स टीवी, हाँ यार यहाँ पे कलर्स टीवी लिख के आया था, ये बड़ी अजीब चीज़ है। बट देयर इज अ डजंट सीम्स टू बी एनी इन्फॉर्मेशन ऑन अ मेगा स्टोन। सो वो हाय देयर आई एम अ फॉकनर जिम लीडर फ्रॉम अ जोटो, वो आई नो ब्रो आई एम ट्रेवलिंग इन अ कॉन्टो लुकिंग फॉर अ इन्फॉर्मेशन ऑन अ मेगा इवोल्यूशन, सो बट हैविंग अ फाउंड नथिंग सो फार, सो अ बैटल इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर, या आई एम लुकिंग फॉर, आई गेस आई कुड बी स्पेयर द टाइम एंड आई विल बी डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द एलिगेंट स्पायर बर्ड, सॉरी बर्ड पोकेमॉन। लेकिन फिलहाल कैसे अगर ये बंदा अपन को मर नहीं जाता है तो इसके साथ बैटल करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो कैसे इस बंदे का सबसे पहला पोकेमॉन है फ्लैशलिंग, एंड मेरा गाइस सबसे ऊपर है क्रोकोडाइल। तो कैसे क्रोकोडाइल से सबसे पहले आप इसके ऊपर कोई डार्क मूव भी करेंगे, क्योंकि आपकी जो डार्क मूव है इसके ऊपर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, एंड शायद से वो अपने वन शॉट में भी फेंट हो सकती है। इसकी स्पीड ज़्यादा थी मगर खैर कोई बात नहीं, वो अपने वन शॉट में तो फेंट हो चुकी है, एंड अपना जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ज़्यादा ओपी वाला पोकेमॉन है। बट फिलहाल गाइस इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है विंगुल। तो विंगुल के ऊपर गाइस यार आई थिंक सो मुझे अपने सेलेवेंस को बाहर निकालना चाहिए, मैं बहुत टाइम से क्रोकोडाइल को यूज़ कर रहा था, एंड रुकीडी को भी गाइस यार नेक्स्ट एपिसोड से या फिर अभी मैं कर लूँगा फिलहाल, मगर इसके ऊपर अभी जो विंगुल है उसके ऊपर अपन को डार्क मूवी करना है। एंड यार सही में विंगुल की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है जिसने अपन को कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं पहुँचा, बट गाइस यार यहाँ पे अगर मैं ड्रैगन बैथ करूँ तो विंगुल अपने वन शॉट में फेंट हो सकता है। सो ग्रेट गाइस यार यहाँ पे जो विंगुल है वो भी अपने वन शॉट में पेंट हो चुका है, एंड यहाँ पे अपना सेलेमेंस जा चुका है लेवल 14 पे। एंड सही में गाइस अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही, पोकेमॉन बहुत जल्दी जल्दी ट्रेन तो नहीं होते बट अभी तक तो हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो लेवल है वो बहुत कम है। बट जैसे गाइस वो लोग ने लेवल 20 टच कर लिया था पोकेमॉन बहुत जल्दी ट्रेन नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल गाइस यार यहाँ पे अपन करते हैं बाइट, एंड इसी के साथ में जो क्विस्पियर है उसकी बहुत ज़्यादा हालत गई है बट वो फेंट नहीं हुआ है, तो फिर से करते हैं बाइट। एंड आई पे ओ गाइस लुक एट वो बच गया यार, उसकी XP कितनी कम हो चुकी है, मगर खैर गाइस यहाँ पे जो क्विस्पियर है वो फाइनली अपने 3 शॉट के बाद में जाके फेंट हो चुका है। सो यार गाइस यार एंड यहाँ पे अपना क्लाइंट भी जा चुका है लेवल 14 पे, एंड अपना जो रुकीडी है गाइस यानी कि अपना क्लाइंट वो शायद से लेवल 16 पे या फिर 17 पे अपने क्विस्पियर में इवॉल्व होता है, मगर खैर गाइस यार यहाँ पे अपन ने जो बंदा यानी कि फॉक्स है उसको हरा दिया। एंड इसी के साथ में गाइस जो बंदा है वो अपन को बैच तो नहीं देने वाला बट उसके जगह पे अपन को कुछ देने वाला है। तो गाइस इस बंदे ने मुझे TM51 दिया है जो कि रूस्ट है,
एंड बड़ी औसम वाली मूव है। एंड अभी का ही सोचो रूस है उससे आपने किसी फ्लाइंग टाइप पोकेमोन यानी कि रुकेरी को मैं सिखा दूंगा। मगर फिलहाल कैसे अभी चलते हैं इस म्यूजियम के बाहर पे। एंड अपने जो म्यूजियम है उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। एंड इस चाचा से बात करें क्या? हाय दिया, यू आर अ ट्रेनर आरंट यू? आई हैव एन एक्सेंट टू माय ओके। तो ये जो बंदा है गाइस वो मुझे एग देने वाला है 5,000 रुपीस में। बट मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल तो नहीं है। बट अगर अभी मैं किसी ट्रेनर के साथ बैटल करूँ एंड मेरे पास पैसा अवेलेबल हो जाए तो शायद से मैं उस बंदे से एग खरीद लूंगा। पता नहीं उसके अंदर कौन सा पोकेमॉन मिल सकता है। शायद से कोई लेजेंडरी पोकेमॉन हैच हो जाए या फिर मैथिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि मैथिकल पोकेमॉन को थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। बट खैर, तो कैसे अपू ने जो प्यूटर सिटी है आई थिंक से उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। बट अभी आपके पास जिम बाकी है। इस बंदे से मैंने बात करी थी क्या? आई थिंक सो नहीं करी थी। ओके, तो इस बंदे से मैं फटाफट से बात जो है वो पूरी कर लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो गाइस यार जहाँ पे अपने पोकेमॉन है वो तो मैं हील करूँगा अभी थोड़े टाइम में। मगर फिलहाल ये लास्ट घर बस है तो ये दोनों से भी बात कर लेते हैं। क्या पता कोई बंदा अपन को रेयर चीज़ दे दे क्योंकि गाइस इस गेम के अंदर पे अपन को रेयर पोकेमॉन नहीं मतलब कि रैंडमाइज पोकेमॉन न्यूट्री के साथ में रैंडमाइज आइटम भी मिलती है। बट फिलहाल गाइस ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? बड़ी अजीब सी जगह पे खड़ा है। तो इस बंदे से बात करते हैं। डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग? नो ब्रो, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। ए मैंने यस क्यों करा? एक मिनट, मुझे नो करना था। आई एम स्प्रेइंग अ रिपेल टू कीप वाइल्ड पोकेमॉन आउट। ओके, मैं समझ गया, रिपेल यूज़ कर रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर शायद से, रिपेल का मतलब फर्टिलाइजर ही होता है पोकेमॉन्स के अंदर पे गेम में या फिर पोकेमॉन यूनिवर्स में। मगर फिलहाल कैसे अभी चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। मेरे पोकेमॉन हील भी नहीं है तो फटाफट से मैं उनको हील कर लेता हूँ। बट फिलहाल कैसे बस आज के लिए इतना है। अपने पोकेमॉन को मैं अभी थोड़े टाइम में हील करता हूँ। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो वीडियो है गाइस पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। सो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। You made a monster.